ओके तो अभी हमारा जो है मैनिक्योर और पेडिक्योर होने वाला है, वो लोग जिनको मैनिक्योर और पेडिक्योर के बारे में नहीं पता है उनको मैं बताती चलूँ कि हाथों को खूबसूरत बनाना, उसकी सफाई करना और उसको प्यारे प्यारे दिखाना अगर हो तो आपको करवाना चाहिए मैनिक्योर। और अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा बदसूरत हो गए हैं, आपको नज़र आ रहा है कि यार ये तो मैं औरत हूँ लेकिन मेरे पाँव आदमियों की तरह लग रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है एक अच्छे पेडिक्योर की। तो आप जो है अपने पाँव की सफाई और पाँव की खूबसूरती और पाँव की वाइटनिंग के लिए अगर कोई सर्विस लेती है तो उसको कहा जाता है पेडिक्योर। तो अभी हमारा जो है मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि हाथ और पाँव को खूबसूरत कैसे बनाएं, उसको गोरा कैसे करें, उसके लिए कुछ बता दें। तो उसके लिए मैं आपको क्रीम्स हज़ार बार बता चुकी हूँ लेकिन वो क्रीम्स ऐसे वर्क नहीं करती है जैसे कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट वर्क करता है। तो मैंने कहा कि आपको मैं आज एक अच्छे सलोन में आई हूँ तो वो अफोर्डेबल भी सर्विसेज हैं और आप आसानी से उसको अफोर्ड भी कर सकते हो, तो बताना ज़रूरी है। तो चलिए हमारा मैनिक्योर और पेडिक्योर शुरू करते हैं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में जब सर्विस लेते हैं तो उसकी क्या रिज़ल्ट होते हैं। ठीक हो गया, शुरू करते हैं। ओके जनाब, तो सबसे पहले इन्होंने मेरे हाथ पर पॉलिशिंग क्रीम अप्लाई की है। पॉलिशिंग क्रीम जो है आपके हाथों पर लगाते हैं तो उससे जो है ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। अच्छा, क्योंकि वक्त की कमी थी तो मेरे हाथ और पांव दोनों पर ये जो है काम एक साथ ही हो रहा है, मैनिक्योर पेडिक्योर साथ साथ चल रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने मेरे हाथों पर पॉलिशिंग क्रीम अप्लाई की है एंड देन उसके बाद मेरे पाँव पर पॉलिशिंग क्रीम अप्लाई की है। इसको जो है हम रखेंगे 15 से 20 मिनट तक, इन्होंने मेरे जो है पॉलिशिंग क्रीम रखी रहने दी एंड देन उसको जो है फिर बाद में रिमूव कर लिया। तो ये पॉलिशिंग क्रीम जो है आपको वाइटनिंग प्रोवाइड करती है, कोई हाइपर पिगमेंटेशन होती है, डर्ट वगैरह होते हैं तो उसको जो है अच्छे से ये हाथों से जो है कट करके रिमूव करती है। पॉलिशिंग क्रीम को रिमूव करने के बाद इन्होंने जो है क्लिनजिंग क्रीम ली और मेरे हाथों की जो है मसाज शुरू की। और पेडिक्योर में भी जो दूसरा स्टेप है वो क्लिनजिंग क्रीम का है, हाथ और पांव दोनों पर मसाज शुरू कर दिया। मसाज जो है मैनिक्योर पेडिक्योर में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे अगर पेडिक्योर तो लोग इसीलिए करवाते हैं कि मसाज हो जाता है पाँव का तो पूरी बॉडी की थकन उतर जाती है, तो हाथ और पाँव पर मसाज किया ताकि कोई भी डर्ट वगैरह हो, कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन हो या कुछ भी मसल मसाइल हो तो उससे जो है रिमूव हो सके। मतलब ये भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। Then she applied massage cream on my hands and on my feet as well. उससे भी इन्होंने मसाज किया 10 से 15 मिनट तक, बहुत अच्छा वाला लाइक सॉलिड मसाज। और ये सिर्फ छोटा फीट तक ही नहीं था, मेरे पाँव का मसाज जो है घुटनों से लेके नीचे तक था। मतलब ये पूरा पेडिक्योर पूरा लेग को कवर करता है, लाइक घुटने से लेकर पाँव तक, क्योंकि मुझे वो अपना पाँव ऐसे दिखाना अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैं अपने पाँव नहीं दिखा रही हूँ, हाथ में जो दिखा रही हूँ वही स्टेप जो है नीचे पाँव पर भी हुए थे। तो आप जो है समझ जाइए किस तरह से हो रहा है। ठीक हो गया जी, तो मसाज क्रीम से भी मसाज किया और उसको भी जो है रिमूव कर दिया। उन्होंने मेरे पाँव पर और हाथों पर टूलिंग वर्क शुरू किया और टूलिंग वर्क आप देख सकते हो क्या क्या किया है उन्होंने। उन्होंने मेरे जो है क्यूटिकल रिमूव किए हैं, मेरे नेल्स को जो है पफ किया है और इसके अलावा पाँव से जो है रफ स्किन को, डेड स्किन को रिमूव किया है बफर से, और जो भी जिस तरह की जो टूलिंग वर्क होता है वो सारा इन्होंने जो है मेरे हाथों पर और मेरे पाँव पर किया। उसके बाद इन्होंने जो है स्क्रबिंग की मेरे हाथ और पाँव की ताकि आपकी स्किन पर जो भी डेड स्किन है वो सारी रिमूव हो जाए और आपका जो है स्किन एक्सफोलिएट हो जाए हाथ और पाँव की। मसाज करने के बाद, उसको रिमूव करने के बाद मेरे हाथों पर इन्होंने जो है मास्क अप्लाई किया, लाइक हाथ पर भी और फीट पर भी, और फिर उसको जो है हमने ड्राई होने दिया एंड देन उसको भी रिमूव किया। तो इस तरह से जो है हमारा मैनिक्योर और पेडिक्योर कम्प्लीट हो गया। वैसे मैनिक्योर और पेडिक्योर दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल मैनिक्योर पेडिक्योर होता है और एक फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर होता है। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब आप नॉर्मल मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं तो उसमें जो है नेल पेंट वगैरह का शशकर नहीं होता है, लेकिन अगर आप फ्रेंच मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाते हैं तो उसमें आपको जो है नेल पेंट लगा देते हैं, लाइक हाफ वाइट वाला नेल पेंट होता है या किसी और तरह का नेल पेंट होता है। तो इस तरह से बस ये नेल पेंट का फ़र्क है, बाकी सब सेम टू सेम होता है। ठीक हो गया जी। Okay, so this is the final results. I am like pretty satisfied with the manicure and pedicure. तो अगर आप अपने हाथ और पाँव की खूबसूरती चाहती हैं तो आप जो है किसी अच्छे सलोन में जाकर अपना मैनिक्योर और पेडिक्योर करवा सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी आ सकती हैं। इनका जो है एड्रेस वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो काइंडली आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो या दैट वॉज द वीडियो।